थर्ड वाला, बाय टेकिंग ए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द आर्ट्स स्केच द लोकाई। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर, अच्छा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो का। ओके ओके लाइक यहाँ ए कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट को कैसे स्केच कर सकते हैं नहीं, जब उसकी। कोई तो वैल्यू रहेगी। इनफैक्ट सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये तो पहले किया था, मतलब लाइक आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, सर्किल चैप्टर में। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं क्या? हाँ यस सर, बना सकते हैं जैसे। ए स्क्वायर ऐड करते दोनों साइड, यस सर, ताकि ये बन जाएगा एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। हाँ सर, हाँ, और रूट भी ले इसकी लेगा तो इट इज समथिंग लाइक दिस। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड लेफ्ट हैंड साइड द डिस्टेंस बिटवीन विच टू पॉइंट्स? सर एक कॉमा वाई और एक कॉमा जीरो यस, ए कॉमा जीरो किधर लाई करेगा? वाई एक्सिस पे। हाँ नो नो नो, एक्स एक्सिस पे यू मीन टू से? हाँ, सॉरी सॉरी, एक्स एक्सिस पे। ए कॉमा जीरो इज ऑन एक्स एक्सिस। ए कॉमा जीरो कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस में, और एक्स कॉमा वाई इस तरीके का पॉइंट है कि एक्स कॉमा वाई और ए कॉमा जीरो के बीच में एग्जैक्टली डिस्टेंस ए है। तो अगर स्केच करेगा तो इट विल फॉर्म अ सर्कल विद सेंटर एज ए कॉमा जीरो। हाँ यस सर, सो दिस इज द वे। तो इसका फोर्थ वाला भी इसी तरीके से है, हाँ सर सर, फिर ओके सर, समझा लाइक उसमें एक्स माइनस टू ए दी होल स्क्वायर आएगा, शायद ऐसे बन जाएगा। हाँ यस सर। टू ए कॉमा जीरो से ए ए रेडियस का सर्कल रहेगा। यस बताओ, somebody was asking something in the middle। नहीं सर, मैं बस इतना पूछ रही थी, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो है वो बस हम लोग को इक्वेशन देख के रीअरेंज करना है, फिर आइडेंटिफाई करना था कि ये क्या चीज का होगा, लाइक हाँ, सर्कल का। अंदाजे से x के वैल्यूज 1 2 3 4 5 डालो, हाँ y हाँ के सर, वैल्यूज मिलेंगे और ज्वाइन करो। हाँ यस सर, वही कंफर्म करना था। जैसे कि फिफ्थ वाला सिक्स्थ वाला पैराबोला रहता है, वो मैंने बोला था ना, एक का डिग्री टू है और एक का यस डिग्री वन रहता है। तो और यस सर, सेवेंथ वाला किसका इक्वेशन है? जैसे वो दिखता तो लाइक एलिप्स है, क्योंकि वो आपने बताया एलिप्सी है, एलिप्सी एक्चुअली। एक्स स्क्वायर बीच में प्लस साइन रहते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहते हैं, तो एलिप्स रहता है। बट सर प्रॉब्लम है, जब मैंने उसको लाइक रीअरेंज किया तो वो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, हाउ हाउ हाउ, तो वो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सर्कल का फोर वाई स्क्वायर इक्वेशन बन गया। एक्स एंड थ्रो। इफ यू रीअरेंज हाउ विल यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? यू विल गेट नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर ना। ओके सर, लाइक हाँ, यू मिस्ड आउट। ओके, मिस्टेक। नेक्स्ट। इसके बाद सीधा जानवी और समबडी वाज सेइंग 20 सेकंड सम। हाँ सर, जब वो 3 चीजें ढूंढनी है सर, एक लास्ट सेकंड, तो समझ गई। एक सेकंड। ओ, 20 से लास्ट दो के क्या? लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चन आउट लाउड। शुड आई एरेज दिस? ये ध्रुव को डाउट था क्या? कर हाँ सर, ये मेरा था। हाँ सर, कर दो, समझ दो गया। एरेज। यस यस सर, ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन इज, फिक्स्ड पॉइंट इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड ए पॉइंट आल्सो, एंड ए पॉइंट मूव सो दैट इट इज एट ए डिस्टेंस ओके। अरे, दे आर जस्ट सिंप्लीफाइंग द क्वेश्चन फॉर यू एक्चुअली, जिसके चक्कर में मतलब वो एक्चुअली चॉइस ऑफ एक्सिस मेंशन कर रहे हैं। जैसे कि देखना, दिस अ फिक्स्ड पॉइंट इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये डिस्टेंस जो है ए यूनिट से, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ए यूनिट से। और क्या बोला है आगे? एंड ए पॉइंट मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन। तो एक पॉइंट पी इस तरीके का है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस फिक्स्ड लाइन इज इक्वल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस सो फार? ये दोनों सेम है डिस्टेंस। ऐसे पॉइंट भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो दिस दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंसेस आर इक्वल। अच्छा, आगे देखो, थर्ड लाइन से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स लोकस इफ द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बीइंग ड्रॉन थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। तो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बीइंग ड्रॉन थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। फिर ये नहीं समझा। अरे मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स बनाओ, मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू एक्सिस बनाओ, लाइक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस।
समझा क्या? लाइक ये फिक्स पॉइंट है, इसके थ्रू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ कह रहा है, लाइक चॉइस ऑफ एक्सिस करके बताया था ना, वी कैन चूज ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फॉर आवर कन्वीनियंस। हाँ यस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या लेना है जानवी, दे हैव एलाबोरेटेड इट इन टू मच डिटेल। द चॉइस ऑफ एक्सिस, देखो द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स बीइंग ड्रॉन थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, तो ये फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है, बीइंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ये गिवन लाइन है, इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेने के लिए बोल रहे हैं। तो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज 0.0। ये समझी क्या? ओके सर। तो अभी ये 0.0 होगा तो ये लाइन क्या हो जाएगा? वो कोई भी साइड हो सकता है ना? एक्चुअली कोई भी साइड हो सकता है, माइनस से प्लस से दोनों साइड हो सकता है। तो माइनस से प्लस से नहीं सर, वो तो पूरा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सर्कल बना सकते हैं। आराम से बता ना, कोई जल्दी नहीं है। ये लाइन, इससे a डिस्टेंस होना चाहिए ना सर? a डिस्टेंस होना चाहिए, बट a डिस्टेंस जो है वो असल में ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो लाइन पे, एंड दैट परपेंडिकुलर पॉइंट कैन एक्चुअली बी अ सर्कल ऑफ रेडियस a। आई डू नॉट अंडरस्टैंड सर। इफ आई ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम द ओरिजिन, दिस ओरिजिन एज सेंटर, ये लाइन 1, लाइन 2, कौन से लाइन के बारे में बात कर रही है? सर लाइन 1। लाइन 1 ठीक है, वो लाइन 1 पैरेलल टू वाई एक्सिस है। श्री कौन बोला? क्वेश्चन में पढ़ना, फिफ्थ लाइन में, द एक्सिस बीइंग ड्रॉन टू द फिक्स्ड पॉइंट बीइंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, मतलब एक्सिस आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन 1। ओके सर, वो फर्दर कंडीशंस है, देयर नॉट डिफरेंट केसेस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ बेसिकली अभी p का लोकस होना है, तो p को अभी x, y ले लेना। अभी p का x, y का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, वो तो तू कर लेगी ना। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन हो जाएगा x माइनस a जैसा, या x माइनस a या प्लस a, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर टेकिंग a। फिर यू कैन डू दिस रेस्ट, आई थिंक। सर ये कैसे सर? ये कैसे? अभी ये लाइन है, मान लो x is equals to -3 है। अच्छा हाँ हाँ, ओके सर, ओके ओके ओके, समझ गए क्या? पक्का सर? पक्का सर, मैं थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा रही थी सर इस लाइन को ऐसे 360 तक, मतलब दे हैव वही, दे हैव एलाबोरेटेड इन टू मच डिटेल, तो कंफ्यूज मत हो। अभी 23rd क्वेश्चन क्या है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट डिस्टेंस बी इक्वल टू हाफ और ट्वाइस दी सेकेंड डिस्टेंस, मतलब फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट मतलब 22nd क्वेश्चन तो ये था कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल बोला है। 23rd क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो ये जो डिस्टेंस है, पहला डिस्टेंस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज हाफ ऑफ दिस, समझ गए ना, या फिर ट्वाइस ऑफ दिस, तो लोकस क्या होंगे वो पूछ रहे। ठीक है, 23rd क्वेश्चन के दो पॉज, ठीक है, ये लैंग्वेज वगैरह वही एकस्टम होना पड़ेगा, दैट्स ऑल। हां सर, ठीक है। और कोई डाउट है क्या किसी को होमवर्क से? सर एक बार वो एग्जांपल 1 का 24th के लिए एक बार बस हिंट या कुछ दे दो। एग्जांपल 1 का 24th क्वेश्चन, चॉइस ऑफ एक्सिस लेके एक्सपेंड करना पड़ेगा। जी इज द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एंड ओ बी एनी अदर पॉइंट। अच्छा, देन प्रूव दैट वगैरह वगैरह, दो पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन है। तुझे फर्स्ट पार्ट डाउट है कि सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट। ओके, तो ट्रायंगल एबीसी लिया ना, ये इरेज कर दूं जिसको भी डाउट था। ठीक है, अभी देखना ट्रायंगल एबीसी को कैसे अज्यूम किया, चॉइस ऑफ एक्सिस को चूज किया क्या तूने? कोई भी ट्रायंगल एबीसी को कैसे लेना एडवाइजेबल है? लाइक ए बी सी, वेयर डिड यू पुट एक्स एक्सिस, वेयर डिड यू पुट वाई एक्सिस? अलोंग ए बी, ए बी एक्स एक्सिस ले लिया। ठीक है, ओके, और वाई एक्सिस को?
के थ्रू से, सी के थ्रू से लिया, ओके फेयर एनफ, वाई एक्सिस को ऐसे लिया, ओके जैसे तूने किया वैसे कर रहे हैं, ओके तो अभी ए बी सी को क्या क्या लिया है, लाइक सी को क्या लिया, पॉइंट एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन क्यों लिया, ये तो वाई एक्सिस पे है ना तेरे लिए, हाँ सर, तो क्या लेंगे, जीरो कॉमा वाई, हाँ जीरो कॉमा वाई मत यूज कर, वाई वन यूज कर लेते, ओके सर, ठीक है, बी को ए को क्या लिया, एक्स एक्स वन कॉमा जीरो, हाँ और ए को एक्स टू कॉमा जीरो, फेयर एनफ, एक्स टू कॉमा जीरो, ओके सो फार सो गुड, एंड जी इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल, तो जी क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, सेंट्रोइड का फॉर्मूला जीरो प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू बाय थ्री, करेक्ट, एक्स वन प्लस एक्स टू बाय थ्री, और वाई कोऑर्डिनेट जीरो प्लस वाई वन प्लस, हाँ राइट, ओके नाउ यू हैव टू फाइंड जी ए स्क्वेयर, नाउ जी ए मतलब जी और ए का डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा तुझे, जी ए स्क्वेयर हो जाएगा मतलब रूट तो हट जाएगा स्क्वेयर की वजह से, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस एक्स टू दी होल स्क्वेयर प्लस वाई वन बाई थ्री माइनस जीरो दी होल स्क्वेयर, ये हो गया जी ए स्क्वेयर, फिर ऐसे जी बी स्क्वेयर जी सी स्क्वेयर ऐसे पूरा करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है करके प्रूव कर सारे, मतलब दैट इज ओनली द वर्क, बट सर फिर वो उसके बाद वो ओ एक पॉइंट है तो वो उसका क्या रिलेशन है, वो सेंटर कोई भी पॉइंट है बोला है तो ओ एक और पॉइंट है, ओ को पी कॉमा क्यू लेना, किसी से ट्रायंगल के अंदर नहीं ले सकते, कहीं पे भी ले सकते हैं, वो पी क्यू पे डिपेंड करेगा, यू कैन टेक व्हेरेवर यू वांट, ओके बट उसके कोऑर्डिनेट कुछ और लेना, एच कॉमा के पी कॉमा क्यू और समथिंग, और फिर उसके लिए भी सेम सेम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सिंपलीफाई करके इक्वल है करके प्रूव करना है, but it doesn't have any specific relationship with the centroid, no no no, okay sir, any general point hai wo, ha sir to normal distance formula se ho jayega, ha okay sir, pura heavy calculation hai but sare terms equal aa jate hai actually, okay sir, sir examples 1 ka 22 wala bhi mujhe nahi samajh, sir kya puch raha hai question, find the coordinates of the lateral point of section, kya hai ye, okay later matlab wo baad wala, पहले वैसे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, द लाइन जॉइनिंग द फर्स्ट टू इज डिवाइडेड इन द रेशियो एल इज टू के, एक सेकंड लेट मी जस्ट एरेस कर दूंगा भाविका, हां सर कर दो, थैंक यू सर, हां 20 सेकंड वाला ना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तो कोई खास बात है नहीं, फिर क्या बोल रखा है, द लाइन जॉइनिंग द फर्स्ट टू, द लाइन जॉइनिंग द फर्स्ट टू इज डिवाइडेड इन द रेशियो एल इज टू के, इज डिवाइडेड इन द रेशियो एल इज टू के, इन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द डिविजन ऑफ द ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट, लाइन जॉइनिंग दिस फर्स्ट पॉइंट, द लाइन जॉइनिंग द फर्स्ट सॉरी सॉरी एंड द लाइन जॉइनिंग द फर्स्ट joining this point of division to the opposite angular point is then divided in the ratio m is to k plus l, find the coordinates of the later point of section, acha to matlab ye iske coordinates kya hai puch raha hai, matlab ye d hai ye e hai, to what is e, is what they are asking, sir aapko kaise pata sir wo log ye puch rahe hain, अरे मतलब क्या है, तो अभी इंग्लिश ही है क्या, अभी क्या करूं, मतलब पॉइंट ऑफ पाथ तो नेक्स्ट वाला हुआ ना, अगर दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं डीबी पॉइंट ऑफ डीबी सेक्शन फॉर्मूले से ढूंढ रहे हैं और ईबी सेक्शन फॉर्मूले से ढूंढेंगे, तो लेटर वाला ढूंढो कह रहा है, अभी ठीक है सर, तो बहुत मजेदार इंग्लिश यूज करते हैं लोग, हां एक्चुअली ऐसा है, मे बी बिकॉज़ दे इट वाज अ रशियन ऑथर, बट वही ईद होना है राउंड अबाउट तरीके से की ड्राइविंग समथिंग, हाँ अभी तुम लोगों ने इरोडो वगैरह सॉल्व नहीं किया क्या, स्टार्ट किया क्या, हैव यू हर्ड अबाउट दैट बुक, यस सर, यस सर, उसमें तो और खतरनाक रहता है यार ये सब कुछ, तो आदत डालनी पड़ेगी, एडवांस क्वेश्चंस में भी रहता है इतना ओवर डिटेल रहता है तो जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जाता है सर, हाँ सर दिवाली वेकेशन के बाद एक सीक्वेंस एंड सीरीज का डाउट लेक्चर रख दो ना, ओके
उसके बाद का डाउट लेक्चर का तो यार वो तुम लोगों को ज्ञानेश्वर सर को पूछना पड़ेगा, बट ड्यूरिंग द वेकेशन और लास्ट डे ऑफ द वेकेशन चलेगा क्या? सर लास्ट डे रख दो, चलेगा सर। तो हाउ शुड आई टेल, तुम्हारा कोई अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है क्या कि एक को बोलूंगा तो वो सबको पता? हाँ है सर। तो ठीक है, तो इब्राहिम मैं तुझे बता दूंगा। ठीक है सर, सर मतलब एंड एंड में ही रखना सर, वरना होगा ही नहीं। हाँ हाँ वही वही। तो बुकलेट डिस्कस कर रहे हैं कि क्या डिस्कस करना है? सर बुकलेट ही सर मेनली, बहुत टफ है 2 और 3। या डेफिनेटली सामने के कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा है, मतलब हाँ सर इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं सर। नो इट इज टफ, मतलब वो बुकलेट का लेवल ही टफ है, बट वही है एक्सट्रीम। तो बट वो एक बार कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा वो, लाइक ठीक है। लास्ट डे ऑफ द वेकेशन इज फाइन विद मी। बीच में कभी एक दो दिन तो तुम लोग रेस्ट ले लो पक्का। रेस्ट लेने वाले हो क्या या सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करने वाले हो? कैचअप करना है होमवर्क पे। होमवर्क वगैरह तो ठीक है यार, बट आई वुड एडवाइस कि एक दो दिन तुम लोग छुट्टी ले लो, मतलब बिना पढ़ाई के, जस्ट टेक अ ब्रेक, बिकॉज फिर वापस से एक साल तक ब्रेक नहीं मिलेगा। एक साल क्या उसके बाद मिलेगा ही नहीं, मान लो एक साल सर। बीच में कभी फिर हॉलीडेज नहीं आएंगे, मतलब सर कुछ क्रिसमस विंटर समर। क्रिसमस से एक दिन आएगा, फिर न्यू ईयर एक दिन आएगा, वैसे एक दिन सर समर वेकेशन सर, ऐसे एक एक दिन समर वेकेशन विंटर वेकेशन कुछ नहीं होता। तो आई एम टेलिंग यू बिफोर एंड सर कुछ नहीं होता मतलब क्या? तो हाँ मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारे तुम्हारी तुम्हारी मर्जी है, लेना है तो लो वरना नहीं। तो सौरभ सर ने बोला नॉट टू टेक ए ब्रेक। अच्छा अनिरुद्ध, तो पता नहीं, मैं तो कहूंगा कि ब्रेक ले लो थोड़ा सा, यू विल फील यू विल हैव फन इन स्टडीइंग बैक अगेन। तो फिर दिवाली वेकेशन के बाद वाले वीक में कोई एक दिन पे कर सकते हैं डॉट लेक्चर। क्यों कहीं बाहर जा रही हो क्या? मैं जा तो रही थी सर, लाइक तो लास्ट के 2 डेज में, बट इफ पॉसिबल नहीं तो फिर ठीक है मैं अटेंड कर लूंगी। नो नो प्रॉब्लम, तो रिकॉर्डिंग देख लेना, वैसे भी डाउट्स ही है वो। हाँ मेरे भी डाउट्स हैं सर। हाँ मतलब लाइन से वो करेंगे क्वेश्चंस। हाँ, ओके सर मैं करती हूँ, करेंगे। देख ले कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दिवाली वेकेशन कब से कब तक है पता है क्या? फर्स्ट टू सिक्स्थ, 6 डेज। ओके 6 डेज है क्या? तो 6 डेज में से 2 डेज तो आई वुड एडवाइज, हाईली एडवाइज यू टू जस्ट टेक अ ब्रेक, नॉट थिंक अबाउट स्टडीज, नॉट इवन टॉक टू ईच अदर कि क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है करके, मतलब स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड ऑल, या स्कूल फ्रेंड्स को कॉल करके पूछो क्या कर रहे हैं। ओके अगर लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि फॉलो करना है, अगर इफ एनीबॉडी इज हाईली डेडिकेटेड यू गाइस कैन डेफिनेटली कंटिन्यू, बट ठीक है थोड़ा ब्रेक ले लोगे तो आगे थोड़ा रिलैक्स लगेगा मेंटली। क्या डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल? यस यस करेक्ट। ओके area of the triangle, if 3 points are given to find the area of the triangle, there are multiple ways to do it. Ek jo hai Heron's formula karke padha tha, S into S minus A into S minus B into S minus C. Yahan pe S kya hota hai? Semi-perimeter. Semi-perimeter. Aur ABC kya hai? Like sides of triangle ki length. Sides of the triangle. Haan, sir, A ka opposite hai. ABC are the sides of the triangle. Yes. A ke opposite wale ko small a bulayenge, B ke opposite wale ko small b bulayenge. Achha, other than this, one more fundamental way to find the area of the triangle is basically half into base into height. That is of course the most fundamental. Okay, vectorially karna hai to area of the triangle is eventually found it as AB vector cross AC vector. Physics mein use kiya kya? Yes, sir. Okay, now another, मतलब उसी वेक्टोरियली ही ऐसे निकल जाता है। One can also say that area is basically, अभी A और B है, A और B है, A और B के बीच का एंगल C है, तो area is basically half AB into sine of C, half AB into sine of C, sine theta. It is applicable the other way around also, half BC sine A and so on. That is also the way, one of the ways to find the area of the triangle. ओके अदर देन दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल स्पेशल इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया क्या होगा? 2 3/4 a² 2 3/4 a² 2 3/4 times side square, all this is considered as general knowledge only.
अच्छा अदर देन दिस वन लास्ट थिंग लाइक इफ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर गिवन ऑफ कोर्स वी कैन डेफिनेटली फाइंड डिस्टेंस फॉर्मूले एंड यू कैन यूज द फर्स्ट वन एंड वी कैन फाइंड मतलब जरूर ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी है हाफ टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ऐसे करके x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आता है क्या तुम लोगों को यस सर क्रॉस प्रोडक्ट जैसा होता है अनिरुद्ध क्रॉस प्रोडक्ट जैसा मतलब जैसे कि यहाँ पे लेट मी जस्ट राइट इट इन सम टाइम पहले इसको लिख लोगे क्या पहले एक्स1 फिर उसका कॉलम और रो एक्सक्लूड करना पड़ेगा फिर वाई करेक्ट 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 तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या वेकेशन में नहीं सर नो सर नो सर कंक्रीट इज अनस्टेबल नेदर एबल टू बोट क्लियरली इज इट ओके डेफिनेटली नो प्रॉब्लम ओ ओके यू कांट इवन हियर माय वॉइस द हैव टू टेक्स्ट सर मैं वेकेशन पे अभी हूं व्हाट डू यू मीन क्लासेस से अटेंड कर रही है हां सर सर कल वी लैंडेड हियर आज से क्लास चल रही है डाउट्स डिस्कस कर रहे थे ऐसे लोनी के हाँ सर लाइक जो कोई किसी ने तो एग्जांपल वन का पूछा उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गया क्या करा एग्जांपल वन का ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे बहुत देर अच्छा वो ओके वो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन टफ था तो वी वर जस्ट डेसिफरिंग ओके सर वेकेशन पे किधर है जानवी अभी मुंबई में नहीं है सर दिल्ली ओके ओके दिल्ली थोड़ी वेकेशन होता है वो भी ऑलमोस्ट मुंबई ही है सर जब आपके 6-7 कजन है सर मेरे और सारे छोटे छोटे हैं बहुत मजा ओह हो गया सर ओके डन एवरीबॉडी एक सेकंड सर वो लास्ट को कॉपी कर रहा हूँ श्योर चीनार करके तुम्हारे क्लास में है ना एक स्टूडेंट या कोई और बैच का है चीनार मात्रे और समझ नहीं सर हमारे बैच का तुम्हारे बैच का है ना ओके सानवी फ्रॉम अंधेरी डाउट है तो पूछना यस सर आज पार्टिसिपेंट्स कम है क्या सिर्फ तुम्हारा स्कूल ही थोड़ी है पूरे दुनिया में ऑब्वियसली नहीं लेकिन आई थॉट आज ही एग्जाम्स लाइक मोस्ट स्कूल्स के खत्म उसका तो प्रॉब्लम नहीं आज कुछ तो सोलर फ्लेयर आने वाला है करके न्यूज में कुछ तो आया था क्या क्या कुछ तो सन से सोलर फ्लेयर्स कुछ निकलते हैं ना तो वन ऑफ देम वाज रीचिंग द अर्थ टुडे एंड द जीपीएस सिग्नल्स वर सपोज्ड टू बी डाउन फॉर सम टाइम और सो ओके सर इंटरनेट हैम्पर होगा करके ऐसे पढ़ा तो है आई डोंट नो कुछ हुआ नहीं है सुबह से सर मुझे सेकंड में लिखा है कि वो हाफ इनटू एबी उसके बाद क्या है जो बेस इनटू हाइट के नीचे किसी को कुछ समझा क्या क्या बोला उसने हाँ सर क्या बोला आपका कनेक्शन आई थिंक वो रेड दिखा रहा है अच्छा मेरा कनेक्शन वीक है क्या हाँ यस क्या लिख जस्ट वन मिनट यहाँ लिख के भी आ गया योर कनेक्शन इज अनस्टेबल जस्ट वन मिनट ओके अभी दिख रहा है क्या बोर्ड यस सर बट स्टिल हेजी एकदम से क्लियर हेजी दिख रहा है क्या
इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल करके बार बार लिख के आ रहा है मेरे जूम के स्क्रीन पे, इसके लिए कुछ अभी कर नहीं सकते ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा कनेक्शन होगा तो क्या क्लास कैंसिल कर देंगे उसके। सर दिख तो रहा है वैसे, समझ आ रहा है सब कुछ? हाँ सर दिख रहा है, मतलब इतना भी। जस्ट रीड आउट, ये लिख लिया क्या जो बोर्ड पे था अभी तक? हाँ सर। यस सर, वो जो बेस इनटू हाइट के नीचे क्या लिखा है वो मॉड के अंदर, ए बी क्या है? ए बी क्रॉस ए सी। सर वो कैसे, वो नहीं समझा, वो बताओगे? वो वेक्टर, वेक्टर्स में किया होगा ना, हाफ ए बी साइन थीटा करके। अच्छा हाँ ओके ठीक है ठीक है समझा। वो वेक्टर, वेक्टर्स में यूज करेंगे, मैंने बस बोल दिया एक ही जगह डिस्कस करें तो जितना पॉसिबिलिटी है। ओके सर। ये स्कूल में होता है कि हाफ ए बी साइन सी? नहीं सर बट पता सर पता था लेकिन वेरी सिंपल लाइक ये हाइट है, ये एंगल सी है तो बी साइन सी हाइट होगा ना? हाँ यस सर। हाँ सर वही, हाफ इनटू बेस ए इनटू बी साइन सी वो हाइट। फिर दो स्टूडेंट्स ने भी टेक्स्ट किया था इंटरनेट कनेक्शन खराब है, विल वॉच द वीडियो करके, बट टीचर्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है इंटरनेट कनेक्शन खराब है तो। ओके लिख के हो गया तो बताओ ध्रुव और एनीबडी एल्स। यस सर यस सर हो गया। यस सर। ओके नीतीश। Okay, this part which I was saying is area of the triangle half times determinant of x1 and this thing, determinants ko jaise cross product se karte hai, ij ke likh ke jaise karte hai, ya x1 into like half times x1 into y2 minus y3, y2 minus y3, fir next wala minus y1 lena padega, minus y1 into x2 minus x3, फिर प्लस वन इंटू एक्स टू वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई टू, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज हाउ दिस इज एक्सपेंडेड। सो जिसको डाउट था क्लियर हुआ क्या? डिटरमिनेंट का वाला क्रॉस प्रोडक्ट की तरह ही करना है। But another thing which I wanted to mention is there is something called as ladder method or stair method, it's just a nickname given to find the area of the triangle found by these three points. For any polynomial that is, it is applicable. A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 hai. So area of the triangle is given as half times. This is called as ladder method because the way we are going to write it is like a ladder. Basically, we are going to write down the points x1 y1, x2 y2, fir x3 y3, एंड लास्ट में x1 y1 वापस से लिख दो, कंप्लीट द लूप, फर्स्ट पॉइंट को एंडिंग में वापस से लिख देना। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल इस तरीके से लिखते हैं, मतलब वही आंसर आता है, इट जस्ट अ वे टू रिमेम्बर इट। बेसिकली हाफ टाइम्स ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 into y2 minus x1 into y2 minus x2 into y1 ऐसे, फिर प्लस अगेन प्लस नेक्स्ट वाला प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस एक्स थ्री इंटू वाई टू प्लस अगेन एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस एक्स वन इंटू वाई थ्री। ये केवीपी में बताया था, बट जस्ट ऑफकोर्स केवीपी में सब नहीं, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन। सिमिलरली इवन इफ इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर ए क्वाड्रिलैटरल, ऑल्सो क्वाड्रिलैटरल रहेगा तो भी एरिया इज गिवन एज हाफ टाइम्स, विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट पॉइंट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री x4 y4 and we'll get back to the first point x1 y1, we'll get back to the first point x1 y1 again aise cross multiply karke. Ye samajh mein aa raha hai especially non kvpy students? Yes sir. Okay, can't make out what you are writing. Acha, just these are coordinates x1 y1, abhi sabko hi blurred dikh raha hai kya sir? Beech mein tha, abhi sab kuch clear hai sir, dikh raha hai. अल्टरनेटिंग साइन से भाविका ऐसे x1 into y2, x1 into y2
पॉजिटिव करेंगे तो फिर x2 into y1 नेगेटिव, फिर x2 by 3 पॉजिटिव करेंगे तो x3 by 2 नेगेटिव करेंगे। यस सर। आई गेस रिकॉर्डिंग ब्लर ना आए। तो सारे पॉलीगॉन्स के लिए एप्लीकेबल है ना? हाँ हाँ, एनी पॉलीगॉन। ऑफ कोर्स एरिया जीरो आएगा तो व्हाट डज इट मीन? इट्स अ पॉइंट। कोलिनियर। कोलिनियर। कोलिनियर है पॉइंट्स। सर डन लिख। डन? ओके राइट। एक सेकंड सर। नो सर प्लीज एक मिनट। या तुम लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है क्या? स्कूल में था क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके सर, लेकिन भूल गया, आप एक और बार बता दो। नो सर, मैं भी भूल गया। ओके ओके, बहुत कॉम्प्लेक्स होता था वो भी सर, ऐसा ही कुछ रहता है। वो रो और कॉलम का डॉट प्रोडक्ट लेना रहता है, ठीक है? हाँ सर, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, फिर वो डॉट प्रोडक्ट जैसा होता है इब्राहिम, तो रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करना रहता है। मैं कराऊंगा अगर जब जहां पे भी जरूरत है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो आज करेंगे, तो एक्चुअली आगे जाने के बाद मैट्रिसेस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद ना ये कॉन्सेप्ट यूज करते नहीं है, बिकॉज देयर आर इजियर वेज टू डू। Sir, how did we come to this formula? Okay, original triangle का formula कैसे आता है पता है क्या? नहीं sir. Okay, just a minute. ये erase कर दूँ जो लोग लिख रहे हैं? Yes. तो quadrilateral को ये दो triangles में किया? Yes, quadrilateral को तो दो triangles में करके कर लेंगे, वो तो clear हो गया जानवी। हाँ sir. तो दो ट्रायंगल्स में है, वो जानवी का डाउट ये है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे आता है, लाइक ट्रेपीजियम का एरिया कैसे ढूंढते हैं, यू नो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम? सर नहीं याद। क्या? इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इनटू सम ऑफ पैरेलल। थैंक यू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। इनटू हाइट। ये स्कूल में पढ़ते हैं, ये पता है क्या? सर सर याद भी है सर। अभी मैं कैसे करूं? या फिर ऐसे कर ले, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये पता है क्या? हाँ सर। ठीक है, थैंक गॉड, एक तो चीज पता है। नाउ ये ए है, ये बी है, मान लेते ये दिख रहा है क्या तुझे? हाँ सर दिख रहा है। ये ए हाइट है, ये ए लेंथ है, बी लेंथ है, तो इसके ट्रेपीजियम को ना ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते, ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते, ये बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू ऑल ए इंटू दिस बिग फुल हाइट, कंप्लीट हाइट, ठीक है? माइनस क्या करना है? हाफ इनटू बी इनटू वो छोटे ट्रायंगल का हाइट, स्मॉल हाइट, उन दोनों को सबट्रैक्ट करके वो दोनों हाइट, दोनों ट्रायंगल्स ना, ये बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स भी है, तो हाइट्स के बीच का रेशियो भी मिलेगा, तो वैसे करके ये निकलता है जानवी। सो दैट इज योर जॉब टू डिराइव इट।
ठीक है ठीक है सर. बट फिलहाल के लिए ट्रस्ट कर ले, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट है ट्रेपेज़ियम का एरिया. और अभी अगर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, लेट अस कॉल दिस कोऑर्डिनेट्स एज ए बी एंड सी. लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए बी एंड सी एंड लेट अस कॉल दिस पॉइंट्स एज ए डैश बी डैश एंड सी डैश. ओके Now can you tell me what are the coordinates of a dash? x1, 0. Fair enough. x1, 0, x2, 0, and x1 is x3, 0. Achha, now what is the area of the trapezium a a dash b dash b? half into x1 plus x3. Sum of parallel sides. फर्स्ट पैरेलल साइड ये ट्रेपेज़ियम में वो दिख रहा है क्या पहले? हाँ सर दिख रहा है. हाँ पैरेलल साइड्स का हाइट मतलब फर्स्ट पैरेलल साइड कितना होगा? फर्स्ट पैरेलल साइड y1 होगा. x1 और x नहीं y1 होगा ये पैरेलल साइड का लेंथ. यस सर. हाँ सर हाँ y1 होगा तो हाफ टाइम्स y1 प्लस y2 इनटू क्या करना चाहिए? x2 माइनस x1 into x2 minus x1 perfect. फिर प्लस क्या हुआ? आप रिपीट करेंगे क्या? मैं कह रहा था कि ये 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 जो ट्रेपेज़ियम है इसका एरिया पूछ रहा था. ये ट्रेपेज़ियम का एरिया. ओके सर. हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. फर्स्ट पैरेलल साइड इज y1 सेकंड पैरेलल साइड इज y2 एंड इनटू हाइट. ये हाइट होगा ट्रेपेज़ियम का. समझी क्या? हाँ सर. नेक्स्ट नेक्स्ट वन ये ट्रेपेज़ियम का एरिया बता सकते हैं क्या? तो उसका भी कर देंगे. ठीक है सर. ये भी कर देंगे फिर इन दोनों के एडिशन ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा क्या? नहीं सर. फिर क्या ट्रायंगल से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा सर. फिर क्या करूं? तो फिर एक और ट्रेपेज़ियम है. एक और ट्रेपेज़ियम है ये वाला सी डैश. हाँ वो वाला ट्रेपेज़ियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे. हाँ सर. तो एक लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला आएगा. उस फॉर्मूले को फैंसी तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके सर. ठीक है सर. एक और चीज. हाँ सर. आपको ये आइडिया कैसे है सर ट्रेपेज़ियम के उससे एक्सप्लेन करने का? कि मुझे मेरे सर ने बताया एक्चुअली. लेकिन like these were discovered like hundreds of years back so we just got this. तो सर फर्स्ट बंदे को किसने आइडिया दिया? हाँ वो उन्हीं का नाम. ठीक है but ठीक है अभी. लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड आइडिया भी नहीं है like नोन शेप से अननोन शेप जोड़ना. yes sir but still like ये सब करते होंगे ना स्कूल में and all की ऐसा है ऐसा ये शेडेड पार्ट का एरिया ढूंढना है. सेक्टर में से ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली. यस सर. यस सर. क्या आते सर? ठीक है इधर है क्वेश्चन करते राइट ऑन. Find the area of the pentagon formed by 0, 0, 1, 0, 2, 3, 3 by 2, 7, minus 1, 3. Find the area of the pentagon formed by these 5 points.
तुम लोग ट्रैक करना, जस्ट गेट सम वाटर. निधिश इज राइट, अनिरुद्ध गलत हो गया, अभिनव भी गलत हो गया, इब्राहिम करेक्ट. नहीं वेदांत, नहीं अपूर्व, हरलीन करेक्ट. दैट्स राइट आर्यन. अभी भी थोड़ा ब्लर आ रहा है जा रहा है तो बताना. आई जस्ट गेट द बोर्ड, मतलब गेट द कैमरा क्लोजर टू द बोर्ड. सो ठीक है, अभी क्लियर है सर. हाफ टाइम 0-0, 1-0, 2-3, 3/2, 7-1, 3 एंड राइट बैक 0-0 अगेन. बस दिस इज द वे टू फाइंड आउट. जस्ट हैव टू डू इट एक्यूरेटली. मुस्कान करेक्ट, अभिनव करेक्ट, सानवी राइट, दैट्स राइट रिशित. जिनका भी गलत है कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है. पहले तो 0-0 डजंट मैटर, फिर उसके बाद क्या आएगा, 3-0 आएगा, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 14-9/2 आया ना. हाँ सर, फिर +9/2 +7 आएगा. बस हो गया ना, बाकी जीरो है. इतना ही तो यार, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है. 14+3+7 24/2. क्या मिस्टेक कर रहे हो. जानवी, सानवी आया कि नहीं अभी तक, हेमंगा, ओजल, ओके, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. दिस इज जस्ट एन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, रिमेम्बर इट हियर, इट्स अ फेमस थिंग. इसके चक्कर में एक और क्वेश्चन था, वो जो मैंने केवीपी में करवाया था, बट आई जस्ट एलोबरेट इट हियर. Right on. If x1 y1 x2 y2 x3 y3 are coordinates of a triangle, if x1 y1 x2 y2 x3 y3 are coordinates of a triangle such that x1 y1 x2 y2 x3 y3 belongs to rational numbers, then prove that the triangle cannot be an equilateral. Prove that the triangle cannot be an equilateral triangle. If the coordinates are such that sare coordinates are rational numbers, then we have to prove that the triangle cannot be an equilateral triangle.
तुम्हारे क्लास में कितने लोग हैं केवीपीवाई में तुम्हारे क्लास से? Is it true that KVPY is been postponed? हाँ सर, पूरा सब प्लानिंग जो किया था सर, वेबसाइट पे भी आया उनके आगे क्या? हाँ सर, postponed to which date? सर वो नहीं हुआ डिसाइड। Okay okay. सर सेवेंथ बहुत अच्छा दिन था सर, पूरा फर्स्ट से एक छुट्टी थी, वही पढ़ने वाला था। Oh, that is correct, Prabhas. सर आपको क्या लगता है कितना पोस्टपोन होगा? नो आई नो आईडिया। सर हमने सर हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया सर? एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज किया है वो लैडर मेथड से। सब पांच बार में क्या सर पिछले क्वेश्चन? तेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरा इंटरनेट खराब है कि तेरा पता नहीं। ये तो ठीक है सर, ये तो आई आवाज। एरिया ऑफ द पेंटागन का, एरिया ऑफ द पॉलीगन का बताया ना अभी, एक मेथड लैडर मेथड करके। हां वही किया ना सर। हां तो तुझे आंसर नहीं आया? नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन I'll tell the solution straight away because थोड़े लोग ने ऑलरेडी किया था इसीलिए। सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? √3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में साइड कैसे ढूंढे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इफ आई फाइंड द साइड and then square it, will it be rational number or an irrational number? Rational kaise sir? Rational numbers ka functions, ha rational hai, jaise ki x3 minus x1 ka square, y3 minus y1 ka square karenge, x1 y1 x3 y3 sab rational numbers hai, usko square karenge, in fact side ko agar hum square karenge, साइड को स्क्वायर करके रूट हटा देंगे तो जो जो बचा हुआ चीज है वो एक रैशनल नंबर रहेगा, दैट इज इन अग्रीमेंट। तो एरिया रैशनल आएगा कि इरेशनल आएगा? √3/4 साइड स्क्वायर से करेंगे तो इरेशनल आएगा, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर √3, इरेशनल आएगा। बट वी कैन फाइंड द एरिया इन एन अनदर मेथड विच वी जस्ट स्टडीड, हमने जो पढ़ा था उस मेथड से एरिया ढूंढेंगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रडिक्शन, सिंस वी आर एनकाउंटरिंग ए कॉन्ट्रडिक्शन, रैशनल इक्वल्स टू इरेशनल, सो द ओनली अजम्पशन विच वी आर डूइंग इज द रॉन्ग अजम्पशन, दैट द अजम्पशन इज दैट इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, therefore it cannot be an equilateral triangle. So कोई भी तीन coordinates rational होंगे तो area तो definitely rational ही आना चाहिए, rational area आ रहा है तो फिर वो equilateral triangle नहीं हो सकता, provided all the coordinates are rational. समझ में आ गया? especially जो लोगों ने पहले नहीं सुना ये solution, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज इक्विलैटरल एंड वी आर एनकाउंटरिंग इट इज, मतलब वी आर एनकाउंटरिंग ए कॉन्ट्रडिक्शन, सो इट विल बी नॉट पॉसिबल। ओके चलेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। बाकी एरिया ऑफ द ट्रायंगल पे बेसिक क्वेश्चन रहेंगे वो तो शायद SLOE का एग्जाम्पल्स 2 पूरा उसी पे था, लास्ट टाइम मैंने ऑप्शनल दिया था, आई डोंट नो किसने किया कि नहीं। यस सर किया, स्टार्टिंग वाले जो थे करेक्ट। ओके एरेस कर दूं ये? यस सर। ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आल्सो वेरी बेसिक, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी आर आई एम इंट्रोड्यूसिंग। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ एक्सिस। चेंज ऑफ एक्सिस मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज गोइंग टू बी शिफ्टेड somewhere else or rotated, so basically the axes are being going to be
चेंज। हाँ हाँ भाविका, लैडर मेथड से रैशनल आएगा प्रोवाइडेड ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर रैशनल। ओके सर। चेंज ऑफ एक्सिस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। नाउ इसमें देयर आर टू, इसमें देयर आर टू सब पार्ट्स। फर्स्ट सब पार्ट इज मच मोर इजियर, मच मच मोर इजियर। द फर्स्ट सब पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और सिंपली कॉल्ड एज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इज मोर कॉमनली यूज्ड, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो बेसिकली अभी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस सिंबल्स बिकॉज दे आर बीइंग यूज्ड हियर नाउ। x एक्सिस एंड y एक्सिस। अभी ये 0,0 है, तो अभी कोई पॉइंट है, लेट अस से 7,8। ये पॉइंट है 7,8। सो कैन यू गाइस टेल मी वेयर इज 7 एंड वेयर इज 8? व्हाट इज 7 एंड व्हाट इज 8 हियर? 7 इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, 7 इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इज दैट राइट? y-axis. 7 is the distance from y-axis. Wow, yes sir. 7 is the distance from y-axis. And 8 is the distance from x-axis. Now, I'll shift the origin as in, origin ko, main thoda sa right side shift kar dunga, say at a point 2,0. Origin ko right side shift kiya. Now, the origin has been shifted, matlab wo x-axis aur y-axis ko saath mein leke shift ho raha hai. Origin is being shifted to right side. So with this new origin, matlab the origin has been shifted to 2,0. So with respect to this new origin, will the coordinates be the same 7,8? 5,8. Yes. Now with respect to this new origin 2,0, the coordinate 7,8 ki jagah kya ho jayega? 5,8. Baaki logon ko bhi clear hai kya ye? Yes sir. Okay. Acha agar 2,0 की जगह इफ आई शिफ्ट इट टू सम न्यू पॉइंट 2,3, 5,5, बस वही कॉन्सेप्ट है। आई एम गोइंग टू कॉल इट लाइक दिस, दिस इज पॉइंट पी। इस पॉइंट पी को x,y मानेंगे और h,k दिस। तो बेसिकली व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, 0,0 ओरिजिन इज शिफ्टेड to h comma k. Origin is shifted to h comma k. Origin is shifted to h comma k. And the old coordinates, and the old coordinates were small x comma small y. And the new coordinates are capital X comma capital Y. So can you guys deduce a relation between h comma k, x comma y, and capital X capital Y? What is the relation? Capital X comma capital Y is equal to x minus h comma y minus. Yes, capital X equals to X minus H and capital Y is equals to Y minus K. So this is the concept of shifting of origin. If the origin is shifted to H comma K, then new coordinates are given as old coordinate minus the shifted point. Capital X equals to X minus H and capital Y equals to Y minus K. Okay. लिख लेना, बहुत ही ऑब्वियस लग सकता है, बट एक्चुअली आगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बहुत ही हेल्पफुल है टू मेक द क्वेश्चंस इनटू इजियर वर्जन। ओरिजिनली इक्वेशंस बहुत खतरनाक दिखते हैं, बट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करने के बाद इक्वेशंस विल बिकम मच मोर सिंपलर। राइट ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ये स्कूल में था क्या? नो सर।
हो गया लिख के? नहीं सर, एक सेकंड. श्योर श्योर, जस्ट आस्किंग. यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस आर रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल x एक्सिस एंड ओरिजिनल y एक्सिस. यस सर. एंड x एक्सिस y एक्सिस के बीच का एंगल कुछ चेंज नहीं किया. सर एक सेकंड, आपने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट सम दिया था उसका आंसर 17 आया था ना? नहीं, 24/2 आएगा. ये ट्रायंगल नहीं, 34. हां सॉरी, पेंटागन. प्लस माइनस होता है ना फॉर्मूला में, x1 y2 प्लस y1 x2 एंड देन माइनस. नहीं नहीं, x1 y2 माइनस x2 y1. ओ ओके, वन सेकंड. फिर से प्लस, फिर से माइनस. हो गया सर. और किसी का लिखना बाकी है क्या? ये बस. हाँ श्योर श्योर, जस्ट आस्किंग सो दैट आई नो. तुम लोग ने लंच कर लिया कि लंच करना बाकी है? बाकी है सर. भूखे पेट अच्छी पढ़ाई होती है कि पेट भर के? लाइक सर डिपेंड करता है क्या खाया. एक्चुअली एंड लोगों स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी रहता है. हमारे टाइम पे भी था, थोड़े लोग लाइक खाना खाने के बाद सो जाते थे, थोड़े लोग खाना खाने के बाद ज्यादा पढ़ते थे. सर कैपिटल एक्स और वाई पी के नए कोऑर्डिनेट्स है ना? यस, पी के नए कोऑर्डिनेट्स है. यस, पी तो वही है एक्चुअली. मतलब वही. What you have said is right. Reference change हो गया. हाँ सर. Is one more Rishit right in IIT and sub, but you guys don't know each other. सर मुझे नहीं पता. तेरा कभी display pic वो है क्या, capital R करके calligraphy वाला? नहीं सर. नहीं ना, तो एक और है. Yes, sir. Done. Done. And this another student Maitreyi also in your class, right? Drisha, Maitreyi. ऐसे लोग भी है ना, आज absent है शायद सब. मानसी तो absent ही है. काफी लोग absent है. Okay. Now, right done. Find the original coordinates. Find the original coordinates. Find the original coordinates of the point. Find the original coordinates of the point 7,5. Find the original coordinates of the point 7,5 when origin was shifted to -3,1. Find the original coordinates of the point 7,5 when origin was shifted to -3,1. Find the original coordinates of 7,5 when the origin was shifted to -1. That's wrong, Anirudh. That's right, Prabhas. That's right, Janvi. Nidish, x coordinate galat ho gaya. That's right, Ibrahim. Hemanga, correct. Aryan, correct. I'm mainly focused on Anirudh. Capital X, Nidish correct. Capital X, Nidhruv galat ho gaya. Dhruv or Anirudh, capital X capital Y diya hai ki small X small Y diya hai? Diya kya hai? Small X small Y. Nahi. But na, find the original coordinates of the point 7,5 matlab. This is the new coordinate. Understand this. And we need small x and small y.
दैट साइड सानवी, बाकी लोगों का देखा नहीं मैंने, अभिनव करेक्ट है, ध्रुव चेक कर ले यार। यस सर, समझा, वो उल्टा कर दिया। हाँ वही वही, जिससे कॉमन मिस्टेक, एक बार गलत हो गया फिर कभी गलत नहीं होता। चलेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते। थर्ड साइड अनिरुद्ध, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 4.6 आना चाहिए। हरलीन आया कि नहीं? मुस्कान, अपूर्व, हेमंगा, जयराज, क्या सिचुएशन है? ठीक है, स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस एच, तो 7-3 करना पड़ेगा, एंड कैपिटल वाई, स्मॉल वाई इज कैपिटल वाई प्लस के, तो 5+1 करेंगे। दैट्स राइट जयराज, 4.6 इज द आंसर। आई थॉट दिस वाज एन इजी क्वेश्चन बट स्टिल मेनी ऑफ यू डिड नॉट सेंड मी द आंसर्स, बोले रॉन्ग आंसर हो तो भी चलेगा। ओके, राइट ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वेयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल्स टू 0 विथ रेस्पेक्ट टू द न्यू सिस्टम, विथ रेस्पेक्ट टू द न्यू सिस्टम, when the axes are translated, when the axes are translated to 2, 3, when the axes are translated to 2, 3, find the equation of this curve with respect to the new system when the axes are translated to 2, 3. Do you need time or do you need help? Sir, time. Sure. इब्राहिम, जयराज, जानवी गलत है, तुम तीनों ने भी उल्टा ही किया है। ये जो रिलेशन है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के बीच का रिलेशन है, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई के बीच का रिलेशनशिप दिया है, दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड। हमें किसका रिलेशन ढूंढना है? कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई के बीच का रिलेशन ढूंढना है। आर्यन करेक्ट, प्रभास गलत हो गया। पहले वो लिख लेते हैं, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 है, कैपिटल वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 3 है। तो तुम लोगों ने यहां एक्स की जगह एक्स माइनस 2 नहीं लिख सकते, एक्स की जगह एक्स माइनस 2 नहीं लिख सकते, ये एक्स इज बेसिकली दिस एक्स, सो बेसिकली एक्स इज बेसिकली कैपिटल एक्स प्लस 2 एंड वाई इज बेसिकली कैपिटल वाई प्लस 3। तो x की जगह x रखेंगे, y की जगह y रखेंगे। समझ गया ऋषित, वही मिस्टेक हो रहा है, प्लस 2 की माइनस 2 है वही इंपॉर्टेंट है, तूने भी उल्टा किया है।
जानवी कोएफिशिएंट ऑफ वाई गलत आया शायद, हाँ जानवी सब टाइप करना भूली कर सही हम लोग x की जगह x प्लस टू लिखेंगे y की जगह y प्लस थ्री लिखेंगे दैट साइड इब्राहिम चेक कर लो एक बार बाकी जिसने भी प्रभास एंड अदर्स यस करेक्ट जयराज डाउट है तो पूछना x माइनस टू क्यों नहीं लिखेंगे स्मॉल x क्या है सर ओरिजिनल वाला हाँ स्मॉल x की जगह स्मॉल x माइनस टू ही लिख देंगे क्या लाइक तूने x की जगह x माइनस टू क्यों लिखा क्योंकि वो न्यू है इसलिए न्यू है मतलब व्हाट डज इट मीन स्मॉल एक्स को ही कैपिटल एक्स कर दिया क्या तूने नहीं सर नहीं फिर स्मॉल एक्स की जगह पे मैंने किया एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर वैसा वो तो है मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों किया ऐसा हम मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखना स्मॉल एक्स तो कैपिटल एक्स प्लस टू है तो स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस टू लिखना चाहिए ना अच्छा हाँ सर वेदांत वो फोर का कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आएगा ओके सानवी निधीश करेक्ट है कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा ओके अभी भी ब्लर दिख रहा है क्या नहीं सर सर मेरे साइड से लाइक मेरा फेस भी ब्लर ही दिख रहा था क्या हाँ सर ओ एक्चुअली हो भी सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम अनिरुद्ध करेक्ट है इधर ये वाला क्वेश्चन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y x स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0 दिस इज एन इजी दिस इज रिलेटिवली इजियर टू डील फॉर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस तो हम लोग ना यहाँ पे तो क्वेश्चन दे रखा है 2, 3 हम लोग बाद में चूज करेंगे ऐसा कोई नंबर चूज करेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में जिसकी वजह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए फिर इसके साथ हम लोग आगे चीजें कर लेंगे रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन राइट नाउ इट इज अनएडमायरेबल बट आगे इस चैप्टर्स में हेल्प होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन मेकर आल्सो क्वेश्चन में हमेशा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई करके नहीं देंगे तुम्हारे लिए दोनों जगह स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखेंगे तो दैट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड एक्स का टर्म कैंसिल हो जाएगा हरलीन प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा हां मिला प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 2x नहीं है प्लस 4x ठीक है बाकी सही है इक्वल टू 0 भी लिखना हां ओके राइट ऑन इफ If xy plus 2x minus 3y minus 10 equals to 0, if xy plus 2x minus 3y minus 10 equals to 0, is the equation of the curve with respect to new system, with respect to the new system when the origin was shifted to minus 3 comma 2 find the equation of the curve with respect to the original system Find the equation of the curve with respect to the original system.
सो मेरा आंसर सही। हाँ करेक्ट है, हेमंगा करेक्ट, इब्राहिम राइट ऑन, जानवी गलत हो गया, प्रभास करेक्ट है, आर्यन करेक्ट, अनिरुद्ध करेक्ट। ये हाइपर बोला है ना ऋषित, वंस अगेन उल्टा किया ना। हाँ करेक्ट, सर मैंने एंड मोमेंट पे आंसर चेंज कर दिया। मतलब क्या इतना बड़ा टाइप किया, अभी क्या एंड मोमेंट है। निधिश फोर आएगा शायद, कांस्टेंट टर्म। मुस्कान करेक्ट, अनिरुद्ध आर्यन वर राइट। ओके ये जो इक्वेशन दिया है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल न्यू कोऑर्डिनेट्स, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, दैट हैज बीन गिवन बाय द क्वेश्चन मेकर। बस कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस एच लिखते हैं तो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। कैपिटल एक्स की जगह एक्स प्लस थ्री और कैपिटल वाई की जगह वाई माइनस टू, यही पुट करना है बस। आज का लेक्चर मोस्टली इंडिपेंडेंट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर से। सो मतलब हरलीन करेक्ट है, जानवी कॉन्स्टेंट टर्म गलत है। मतलब इब्राहिम कुछ नहीं, मतलब ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और ट्रांसलेशन ऑफ, मतलब आगे एक और कॉन्सेप्ट करेंगे, वो कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में कम यूज होगा, वो पैराबोला एलिप्स वगैरह में ज्यादा यूज होगा। स्ट्रेट लाइंस में जबरदस्ती क्वेश्चंस बना सकते हैं जैसे मैं अभी बना के दे रहा हूँ। इनफैक्ट ये सब क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जेई मेन में, बट दिस इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। वेदांत एक्स का टर्म कैंसिल हो जाएगा सर, अभी भी गलत है क्या आंसर? जानवी करेक्ट है, भाविका गलत है यार। हाँ सर वो एक्स राइट, इंटरचेंज करना। सानवी कांस्टेंट टर्म गलत है, माइनस सिक्स प्लस सिक्स, फिर सर मैंने दोनों प्लस ले लिया। So, plus 6 हो रहा ना, plus 6 plus 6 minus 10, पहली बार plus 3 into minus 2 minus 6 आएगा। minus 3 है पर वहाँ, यहाँ पे minus 6 आएगा। हाँ सर मैंने sorry सर। हाँ सर सही है वेदांत, तो सर 8 हो जाएगा। क्या हुआ? 8 हो जाएगा ना? नहीं 4 आता है यार, 2 6 तो कैंसिल ही हो गया ना यार, 6 minus 10 minus 4 है। सर आपने ओरिजिन शिफ्टेड टू minus 2 comma 3 बोला था कि minus 3 comma 2? minus 3 comma 2। अच्छा सर मैं minus 2 comma 3 लिखी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए तेरा x और y दोनों भी है। चलेगा, अभी मैं क्विट कर रहा हूँ क्वेश्चन, यू गाइस कैन डू इट योरसेल्फ। आंसर एक्स वाई इक्वल टू 4 है, दैट इज करेक्ट, दिस इज अ हाइपरबोला, इनफैक्ट दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट जैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस या जो भी है फिजिक्स में केमिस्ट्री में आता होगा ना। yes, इसका ग्राफ कैसे रहता है? ये x-axis, y-axis are the asymptotes.
चलेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ सेपरेट चैप्टर, जो एक क्लास करेंगे हम लोग 3 घंटे के बाद में, उसके भी प्रॉपर्टीज वगैरह है, स्टडी दोस लेटर। ऑफ कोर्स 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रोटेशन ऑफ द एक्सिस। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस ही है, रोटेशन ऑफ द एक्सिस, रोटेशन ऑफ द एक्सिस। तो रोटेशन ऑफ द एक्सिस में लाइक द नेम इज सेड, सो लेट अस से दैट दिस इज ओल्ड एक्स एक्सिस एंड ओल्ड वाई एक्सिस। रोटेशन ऑफ द एक्सिस मतलब द एक्सिस आर रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, बाय एन एंगल ऑफ थीटा टू हैव अ यूनिफॉर्म आंसर। लेट अस से दैट द एक्सिस आर रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, are rotated in anti-clockwise direction by an angle of theta. Okay, now there is some point P, small x, small y. So, iske coordinates chahiye hame with respect to the new coordinates and old coordinates. So, let us name them first. Old coordinates are small x, small y, and new coordinates ko naturally capital X, capital Y karke bula lete. Achha, now, rotation of the axis, matlab, I hope you guys are understanding. एक्स एक्सिस को थीटा यूनिट्स रोटेट कर दिया तो वाई एक्सिस भी थीटा यूनिट्स ऐसे रोटेट हो जाएगा। सो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ओके, नाउ लेट अस स्लोली मार्क द पॉइंट्स। कैन यू पॉइंट आउट वेरी स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स कौन सा लेंथ होगा? स्मॉल एक्स कौन सा लेंथ होगा? ये परपेंडिकुलर जो पुराने वाले एक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। देखो अभी आगे कंस्ट्रक्शन करके डायग्राम में डिफिकल्ट लग जाएगा, बट आइडिया समझ में आ रहा है ना। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैज बीन रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है? यस सर। ओके, नाउ स्मॉल एक्स विल बी दिस लेंथ ओ, एंड लेट अस कॉल दिस परपेंडिकुलर एज एम, ठीक है? दिस ओ एम इज स्मॉल एक्स। ओके, वेरी स्मॉल वाई, ओल्ड वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर। हां, यहां पे बता सकते हो कि पॉइंट लेंथ पीएम, PM will become small y. यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? No sir. Okay. Now can you tell me where is capital X? Sir, उसका वो PM का projection होगा kind of. Capital X मतलब अभी P का projection, P को ना एक ये नए X axis के ऊपर drop करना पड़ेगा, नए X axis के ऊपर. Let us call this as N. So this O N length is capital X. Is everybody agreeing so far? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. अच्छा, अभी देखो, ये है new axis और ये point P है, तो capital X क्या होगा? Perpendicular drop. Where? X axis नीचे. This is capital X. Is that what you are saying? No, sir. This is capital. No, no. This is Y, and the distance from Y axis is X. हाँ, so in this diagram, what is capital X? O-N. That is what they are also saying. O-N. ठीक है? But sir, it's equal to O-M. ऐसा आप बोल रहे हो? हाँ, capital X is equals to O-N. ऐसा मैं बोल रहा हूँ. No, I'm saying O-M equals to O-N, क्या? नहीं. Okay, मैं वो confused हूँ. Okay. I can make a rectangle also just for my ease. Okay. Now, can you guys tell me what is capital Y? PN. 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 Okay. PN. अभी थोड़ा सा geometry लगेगा. ये angle theta है तो और कौन सा angle theta ढूंढ सकते हो? NPM. That is correct, यार जानवी, बहुत fast किया. Can anybody else tell me what will be this angle? थीटा ही रहेगा। कैसे डिड्यूस किया? खींच देंगे, सब पीएन को एक्सटेंड कर देंगे। राइट एंगल। ठीक है, जैसे भी तुम लोगों को सबको मतलब वन ऑफ द वेसेस है 90 डिग्री से, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, फिर ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये दोनों 90 माइनस थीटा हो जाएंगे, फिर ये 90 डिग्री होके फिर वो थीटा हो जाएगा, ठीक है ना? यस यस। ओके, अच्छा नाउ अभी मेरा चैलेंज ये है कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में कोई भी रिलेशन ढूंढू, कोई भी रिलेशन ढूंढू, तो कैसे ढूंढने का प्लान है? लेट अस कॉल ये पूरा लेंथ कैपिटल एक्स है, फॉर माय रेफरेंस ये पूरा लेंथ कैपिटल एक्स है,
ये वाई है। अच्छा तो दो तरीके है, कैपिटल एक्स को वाई के टर्म्स में ढूंढ सकते हैं या कैपिटल वाई को एक्स, मतलब ठीक है कोई भी कर सकते हैं। तो ये लेंथ कितना होगा बता सकते हो क्या, कितना शेड किया मैंने? एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा होगा क्या, इज दैट करेक्ट? एक्स स्मॉल एक्स, एक्स बाय कॉस थीटा होगा, एक्स इनटू कॉस थीटा होगा, बाय बाय एक्स बाय कॉस थीटा होगा। ये क्लियर है कि एवरीबॉडी? नहीं सर ये नहीं समझा। अच्छा अच्छा ठीक है छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा सर अभी हम लोग एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश ये कर रहे हैं कि कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन। ओके सर। हां तो कोई भी थॉट प्रोसेस तुम लोग, हम लोग इसमें से लेंथ क्या क्या निकाल सकते हैं, जो तो जिन लोगों ने बोला x by cos theta, you are perfectly correct. किसको समझ में नहीं आया x by cos theta वैसे? समझ गया वो hypotenuse है, ठीक है तो हाँ। ये बड़ा है ना, hypotenuse cos theta is small x, so this length will become small x by cos theta, ठीक है? अच्छा what about this length? Let me call this point as some cos theta q. So what you are saying is OQ is x by cos theta and QN क्या होगा? By cos theta. ये देखो ये y है ना? By cos theta. Y cos theta होगा क्या? No, sir, by cos theta. By cos theta. वो भी नहीं होगा sir. वो भी नहीं होगा सर। टैन थीटा से करना है क्या? हाँ कर लो, लाइक ये ट्रायंगल है ना, PQN सर, y tan थीटा, कैपिटल y tan थीटा। लेट अस जस्ट डू दिस, p q n ये थीटा और ये कैपिटल y, तो tan थीटा होगा लाइक इब्राहिम इज सेइंग qn डिवाइडेड बाय y, ठीक है? यस सर। सो qn विल बी व्हाट? Y tan theta. Y tan theta. Is it agreed, everybody? Yes. Y tan theta मतलब basically I can say y sin theta by cos theta. But sir एक मिनट, y cos theta क्यों नहीं होगा? Like अगर y को अपन उधर shift किए तो फिर वो y cos theta होगा, ये length यार, ऐसे ये length y का। अच्छा ठीक है sir, yes. ठीक है? Okay. Now इनका क्या करूँ फायदा OQ और QN का? ऐड कर देंगे तो क्या आना चाहिए? कैपिटल एक्स। ओके लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट रिलेशन। सो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फेयर इनफ? यस सर। ओके एंगल विद एक्सिस विल बी 90 ओनली, राइट? आई डोंट नो व्हाट एंगल आर यू टॉकिंग अबाउट अभाविका। Okay. इसको इसको रीअरेंज करेंगे तो कैन यू टेल मी व्हाट इज स्मॉल एक्स? एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। यस, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, दिस इज द रिलेशन। स्मॉल एक्स इज एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। सिमिलरली वन कैन डिराइव एन अनदर रिलेशन वाई ऑल्सो, वन कैन डिराइव एन अनदर रिलेशन वाई ऑल्सो। वाई हैपन्स टू बी एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, वो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, दैट इज लेफ्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके पहले इसको ये फॉर्मूला लिख लो, मुझे और थोड़े से डिटेल में बताना है इसको। ये डिराइवेशन तुम्हें कॉपी करना है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है मतलब ज्योमेट्री बना बना के हम लोग लेंस ढूंढ रहे बस। जस्ट गिव मी वन मिनट।
सो ये आपने x cos थीटा माइनस y sin थीटा क्या किया x के लिए? ओके सो आई अंडरस्टूड. ओके सर. हेलो क्लियर हो गया क्या सानवी डाउट तेरा? हाँ सर. ये दूसरा कोई डिराइव कर पाया क्या? लाइक ये हाइट एक्स साइन थीटा रहेगा वो दिख रहा है क्या? लाइक ओ एन इज एक्स ना, ये हाइट विल बी एक्स साइन थीटा. ये दिख रहा है क्या? ये हाइट एक्स साइन थीटा रहेगा. यस हाँ सर. और ये हाइट जो है वो y cos थीटा रहेगा. तो x sin थीटा और y cos थीटा को ऐड करेंगे तो स्मॉल y मिलेगा. चलेगा. डेरिवेशन से ज्यादा ये फॉर्मूला याद रखना इम्पोर्टेंट है फॉर द टाइम बीइंग, बट लेटर देर आर मच मोर इजियर वेज टू रिमेंबर दीज. बट फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट हैव टू गल्प इट डाउन. आई वॉन्ट टू राइट इट इन, मतलब क्लटर हो गया पूरा. I just want to erase it and write it. हो गया सर. लिखे हो गया सबका? Yes sir. Okay. इन दोनों equations को solve करके तुम लोग capital X capital Y ढूंढ सकते हो क्या? Simultaneously solve करके मतलब are you understanding what I am saying? Like if I want to cancel out this Y का term. तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं, सेकंड इक्वेशन को किससे? साइमल्टेनियस सॉल्विंग. फर्स्ट इक्वेशन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूंगा तो क्या आएगा? वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. लाइक एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा होगा ना, वो क्या होगा? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा कैपिटल एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाएगा ऐड होके? 2x. नो कैपिटल एक्स नो. हां कैपिटल एक्स. हां मुझे लगा 2x बोला तूने. हां इज कैपिटल एक्स. हां सिमिलरली कैपिटल वाई भी ढूंढ सकते हैं, कैपिटल वाई भी ढूंढ सकते हैं, वो आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा. अभी ऐसे ये चार फॉर्मूले है. फिलहाल के लिए वियर्ड से लग रहे होंगे, बट आगे थोड़े दिन में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह पढ़ने के बाद ये फॉर्मूले यूज करना ही बंद कर देंगे कम्प्लीटली. फॉर द टाइम बीइंग इसको लिख लो. कॉम्प्लेक्स नंबर्स नेक्स्ट चैप्टर ही रहेगा, तो आफ्टर दैट दिस विल बिकम वेरी इजी.
So when old and new are given, so this is the conversion. Theta is in rotated in anti-clockwise direction. Small x, small y are old. Capital X, capital Y are new. आर्यन पूछना हाँ क्लॉकवाइज लेते तो थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दे हाँ सर वैसे उल्टा होता ना कि कैपिटल एक्स वाला जो होता है वो भी स्मॉल एक्स इक्वल होता नहीं नहीं थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर आर्यन पूछना क्या डाउट है सर डाउट नहीं है मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने अलग मेथड से ट्राई किया इसे डायरेक्ट डिराइव करना भेज दे फोटो और भी तरीके है ढूंढने के लिए लाइक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह भी से भी हो सकते हैं मोर वेज टू डिराइव इट अभी एट दिस लेवल में सिर्फ ज्योमेट्री के वेस में वैसे डिराइव कर रहा हूँ ऑल्सो स्मॉल एक्स स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर और कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर सेम रहेगा क्या सॉल्व करने की जगह तुम लोग लॉजिकली सोच सकते हो क्या yes, क्योंकि रोटेशन ऑफ द एक्सिस करने पर पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चेंज होगा क्या no, sir. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल नॉट चेंज ओनली सेम रहेगा डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा दैट इज राइट आर्यन सर वो कैपिटल एक्स में वो प्लस है मैंने गलती से लिखा क्या मैंने कुछ रॉन्ग लिखा क्या नहीं सर मैंने अपना जो नीचा ना लिखा अच्छा अच्छा तूने हो ओके 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 एक में हाँ जरूर कर सकता है तूने जस्ट कंपोनेंट्स लेके किया एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ओके नेक्स्ट करते हैं ये हो गया लिख के यस सर ओके को याद रखने के लिए और टेबल्स वगैरह दिए हैं आई एम नॉट श्योर कि वो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कंफ्यूजन होता है ऐसे लिखते हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा मतलब ये टेबल करके थोड़े लोग याद रखते हैं कैपिटल एक्स क्या होगा लाइक इस तरीके से पढ़ोगे तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड लाइक कैपिटल एक्स हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा फिर कैपिटल वाई हो जाएगा एक्स इंटू माइनस साइन थीटा वाई इंटू कॉस थीटा फिर अगर वर्टिकली जा रहे हो स्मॉल एक्स हो जाएगा कैपिटल एक्स इंटू कॉस थीटा कैपिटल वाई इंटू माइनस साइन थीटा समझा सर small y is capital x sin theta y cos theta yes ठीक है लिख लो याद रहेगा तो ठीक है but I am telling you more many times I have told you like after studying complex numbers we'll stop using this for law altogether only so temporarily just important मान लो सर ये टेबल सर बस एग्जैक्टली मतलब वही जो ऊपर फॉर्मूला है वही कर रहा है हाँ उसी को फैंसी तरीके से लिखा है सर तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना 100% चलेगा एक क्वेश्चन करते हैं हो गया सबका हाँ सर ओके राइट ऑन इफ द एक्सिस आर रोटेटेड इफ द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज How many degrees? 30. If the axes are rotated through an angle of 30 degrees,
through an angle of 30 degrees in anti-clockwise direction, through an angle of 30 degrees in anti-clockwise direction, find the coordinates of the point 4 comma minus 6 root 3, find the coordinates of the point 4 comma minus 6 root 3 in the new system. Find the coordinates of this point in the new system. Sir, 30 degree anti-clockwise, right? Haha, correct. 30 degrees anti-clockwise. Find the coordinates of the point 4 comma minus 6 root 3 in the new system. तो दिया क्या है, ढूंढना क्या है वो समझो, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वगैरह से. सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, आपकी आवाज चली गई थी. थीटा 30 डिग्री से. Yes, sir. और ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 कॉमा माइनस 6 रूट 3, फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स. ओके सर, थैंक यू. दैट इज राइट जानवी. अरे वो
सॉरी गाइस, कॉल पे कॉल आ रहे हैं, आज सैटरडे है ना। आंसर थोड़े लोगों ने रॉन्ग भेजा, भाविका, हरली, नितीश, वेदांत, अभिनव गलत हो गया, प्रभास गलत हो गया, क्या वो चेक आ गया क्या करेक्ट, फिर इब्राहिम सर मैंने रूट थ्री लिखना था सर, थ्री दिख रहा था मुझे, ठीक है सर मैंने गलती से लिख दिया, बट सिंपल है फॉर्मूला है, जस्ट पुट कर दिया और आ गया ना। यस सर, ठीक है। मतलब आगे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मतलब करवा नहीं रहा हूँ, बिकॉज आगे जाके करेंगे। सेम पिछले ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की तरह ही इक्वेशन दे रखा है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में इक्वेशन ढूंढने के लिए बोलते हैं, दैट आल्सो कैन बी डन, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ढूंढ सकते हो, उस टाइप का क्वेश्चन करवाऊ क्या एक कि इट्स फाइन तो आपकी मर्जी, ठीक है, राइट डन, write on this sum, prove that, prove that if the axes, prove that if the axes is turned through pi by 4, prove that if the axes is turned through pi by 4 in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, the equation x square minus y square equals to a square is transformed to the form xy equals to lambda, is transformed to the form xy equals to lambda, also find lambda. So done, a square. Nahi, galat hai. फास्ट कैसे किया और ओ सर ए स्क्वायर बाय 2 वो भी नॉट एक्यूरेट यार, नॉट एक्यूरेट, आर्यन करेक्ट है, देखो एक्यूरेटली प्लस माइनस का ध्यान दो, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई बाय रूट टू लिखना है और स्मॉल वाई को कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई बाय रूट टू लिखना है, सिंप्लीफाई करो, प्रभास करेक्ट, सर मैंने यही किया सर, मैं आपसे डर कैसे आया क्या सर, आई डिड दिस ओनली, यू डिड दिस ओनली तो माइनस नहीं आया रहा क्या लेफ्ट हैंड साइड, सर देखती हूँ।
हाँ सर आना तो चाहिए, माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए। तो फिर क्या देख लिया जनवी, आना चाहिए आंसर। सर आ गया। अदर्स ऑल्सो जस्ट डू इट फास्टर। माइनस यस सर। आई जस्ट कॉल यू बैक इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स या या आई टोल्ड जस्ट 5 मिनट्स आई जस्ट कॉल यू बैक। या या ओके सर। माइनस ए स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर बाय टू? बाय टू भी आएगा यार। हाँ सर बाय टू। माइनस ए स्क्वायर बाय टू, वो जानवी ने प्लस ए स्क्वायर बाय टू बोला था तो इसलिए रॉन्ग बोला था। ओके आर यू गाइस डन? हाँ सर। यस सर। क्या हो रहा है? आई लाइक हाउ इज सर्किल चेंजिंग टू एंटी। दिस इज नॉट ए सर्किल। सबसे पहले सर्किल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है भाविका। ग्राफिकली व्हाट इज हैपनिंग, मतलब ये भी हाइपरबोला ही है और एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट भी हाइपरबोला ही है। बेसिकली हाइपरबोला को रोटेट किया, बेसिकली एक्सिस को रोटेट किया तो हाइपरबोला भी रोटेट हुआ। लाइक अच्छा आई थॉट सर्कल था तो मैं ग्राफिकली मेरे को समझ नहीं रहा था क्या हो रहा है। लाइक ये भी हाइपरबोला है, ये भी हाइपरबोला ही है। मतलब अगर तू सोच एक्सिस को रोटेट करेगी तो ये वही बन जाता है। राइट सर, समझा। ठीक है ओके चलेगा। आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। उसके पहले मैं होमवर्क दे देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में ना मैं क्वेश्चन बैंक देता हूँ। इस हफ्ते तो कुछ नहीं दे रहा, जस्ट यू गाइस कैन रिलैक्स अ लिटिल बिट। मॉड्यूल लास्ट टाइम मैंने इंचा प्रे एक्सरसाइज 1 दिया था। डिड यू गाइस डू इट? पता नहीं क्यों सर मेरी मेमोरी लेकिन वाइप हो जाती है जब होमवर्क मिलता है। क्या क्या मेमोरी सर? वो क्या सर, शायद होमवर्क मिलते टाइम मेरा मेमोरी वाइप हो जाता है। ओके ओके तो वापस के वीडियो देखती है क्या होमवर्क करने के लिए? नहीं सर। ठीक है ठीक है। मैंने इंचा प्रैक्टिस 1 दिया था। डिड एनीबॉडी ट्राई? सर देखा था, ट्राई नहीं किया। अच्छा देखा था नहीं किया, ओके चलेगा। इंचा प्रैक्टिस 1 और 2 पूरा कर लो। इनफैक्ट 1, 2, 3 भी कर सकते हो गाइस। ठीक है सर। इंचा प्रैक्टिस 1, 2, 3 इज दैट एनफ फॉर दिस वीक और कैन यू गो? क्या बोला? सीक्वेंस एंड सीरीज भी करना है तो। हाँ सीक्वेंस एंड सीरीज भी करना है तो ठीक है चलेगा। इंचा प्रैक्टिस 1, 2, 3 ये 3 हो गए, कर लो। टोटली 4 इंच अपनी 5-6 टोटल कितने हैं? हाँ 5-6 फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लेंस का 1 है, चलेगा। वी आर ऑलमोस्ट हाफ पे डाउन द लाइन। इंचाप्ट्रेक्सेस 1, 2, 3 तीनों कर लेना। ठीक है इंचाप्ट्रेक्सेस 3 में लोकस के ऊपर क्वेश्चन है। इंचाप्ट्रेक्सेस 2 में ये सब शिफ्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस है। इंचाप्ट्रेक्सेस 1 तो डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर है, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। ओके चलेगा गाइस, वी विल कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय गाइस।